एक बार फिर से स्वागत है आपका सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप मेरे सभी अपडेट्स रेगुलरली देख रहे हो तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने अपडेट डाला था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है कि वो जरूरत पड़ी तो अपने जिनके प्लांट है उन्होंने शटडाउन किया है, उनमें लिमिटेड फोर्स के साथ वेंटिलेटर्स को बनाने पर विचार कर रहा है। और इतना नहीं, जो उनके रिजोर्ट हैं उनको भी अगर जरूरत पड़े तो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा गवर्नमेंट से उनको गाइडलाइंस आएंगी, वो रेडी हैं। तो उसी से मिलता जुलता एक नया अपडेट आज मैं आपके साथ ऐड करता हूं। पहले महिंद्रा महिंद्रा नाउ अब जो भारत का सबसे बड़ी जो कार मैन्युफैक्चरर्स है, मारुति सुजुकी और लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स बजाज ऑटो, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि वो वेंटिलेटर्स बनाने के लिए रेडी है, जिनके प्लांट अभी शटडाउन पर है। बिल्कुल, वो हेल्प करना चाहते हैं गवर्नमेंट की, जो उनकी फाइट है अगेंस्ट कोरोना वायरस पेंडेमिक। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा अपडेट है कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, बजाज, हीरो ये ऑलरेडी कन्फर्म कर चुके हैं कि किसी तरह की जॉब कट या सैलरी कट वो नहीं करेंगे। तो इस बात के लिए बड़ा सा थम्स अप यहाँ सभी भारत की अपनी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनता है। आरसी भार्गवा, चेयरमैन मारुति सुजुकी, उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर्स बनाना एक बड़ी डिफरेंट है ऑटोमोबाइल्स के मुकाबले, तो इसके लिए वो ज्वाइंट वेंचर्स करेंगे उन कंपनीज के साथ जो ऑलरेडी वेंटिलेटर्स बना रही हैं। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो एमडी है मिस्टर पवन गोयनका, उन्होंने कहा कि वो दो स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। पहला तो है कि जो जो मेन हाई स्पेसिफिकेशन वेंटिलेटर्स है, कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ मिलकर इस डिज़ाइन को और ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे, और उसको मास स्केल पर अगर जरूरत पड़े तो उसको मास स्केल पर बनाने में उन कंपनीज की हेल्प करेंगे। सेकेंड है कि ऑलरेडी जो एक छोटे वेंटिलेटर होते हैं, उसको हैंड वेंटिलेटर्स कहा जाता है, या हम कह सकते हैं बैग वाल्व मास्क वेंटिलेटर या अंबु बैग भी जिनको कहा जाता है, ऑलरेडी उस पर कंपनी काम कर रही है और कुछ दिनों में उसका प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट उसको पास करती है तो वो उसको भी मास स्केल पर बनाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 1500 से लेकर 2000 के बीच में इनका प्राइस निकल कर आता है। इसके अलावा सरकार ऑलरेडी टाटा और ह्यूंडई के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है। करंटली इंडिया का जो 80-85% जो मेडिकल डिवाइस और इंटेंसिव केयर यूनिट्स लाइक वेंटिलेटर, ये सब इंपोर्ट हो रहा है। इनका प्राइस 5 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में एज पर स्पेसिफिकेशन इनका प्राइस जाता है। भारत में इन केस अगर कोरोना वायरस स्प्रेड होता है ज़्यादा लार्ज स्केल पर, तो भारत को कम से कम 1 से 2 लाख के बीच में वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम बात करें आईसीयू बेड्स, इस टाइम भारत में 57,000 के आसपास अवेलेबल है। 50% विद वेंटिलेटर्स आते हैं, मीन्स रफली 25 से 26 हज़ार वेंटिलेटर इंडिया में अवेलेबल हैं। लेकिन इन केस ये स्प्रेड होता है ज़्यादा, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वेंटिलेटर्स चाहिए। तो ऐसे में ये सभी इंडियन कंपनीज जो इंटरेस्टेड है, तैयार हैं, अगर जो भी इनको आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस मिलती हैं तो ये बिल्कुल रेडी हैं इनको लार्ज स्केल पर इन वेंटिलेटर्स को बनाने के लिए। तो एक बार बड़ा सा थम्सअप बनता है इन सभी कंपनीज के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियोज़ अच्छी लगी हो, अपडेट आपके मतलब का हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।